जिले के नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के बरई टोला में काली मंदिर के समीप करीब 30 लाख रुपए की लागत से हो रहे पोखरे के सौंदर्यकरण की दीवार पहले ही बरसात में पोखरे में विलीन हो गई। स्थानीयों ने घोटाले का आरोप लगाया। नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के बरई टोला में ठेकेदारी प्रथा से पोखरे के सौंदर्यकरण के कार्य को पूर्ण होने से पहले ही बरसात के पोखरे में तब्दील होते दिखाई दिया। स्थानियों ने आरोप लगाया है कि घोटाला हुआ है और ये ध्वस्त हो गया पहली बारिश में। इस पोखरे का निर्माण हमारे अशोक चौधरी द्वारा किया जा रहा है, चेयरमैन के निरीक्षण में, खलीलाबाद संत कबीर नगर तलदारी टोला। और देख रहे हैं, हालांकि आप खुद देख रहे हैं कि इसकी क्या दशा है। आए अभी 10 दिन में हुआ किया हुआ कार्य और इसकी ये दशा है। ये किस दौर के तरीके से 30 लाख का बजट है, 30 लाख के बजट में काम किया गया है। अगर ऐसी बातें हैं तो हम अपने मोहल्ले के चंदे के द्वारा हम अपना काम करवा सकते हैं, चेयरमैन की हमें आवश्यकता ही नहीं है। जब ये बनवाया जा रहा था तो क्या मतलब कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ था? जिम्मेदार व्यक्ति हमारे यहाँ कुछ हैं, पुराने प्रत्याशी सभासद और कुछ नए हैं, और उनके निरीक्षण में काम हो रहा है ठेकेदार के द्वारा। और वो काम सिर्फ खाली राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे, कौन क्या है, कौन क्या की कर रहा है, बस उनके पीछे पड़े हैं। हालांकि ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे मोहल्ले का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह घटिया निर्माण से आप किसको दोषी मानते हैं? हम अपने चेयरमैन, ठेकेदार और यहाँ के जो नेता बने हैं गिने चुने, जिनको अभी ये नहीं मालूम है नगर पालिका में होता क्या है, वो उनके द्वारा हम उनको पूरी जिम्मेदारी उनको दे रहे हैं। क्या लगता है कि इस कार्य में कितने का घोटाला हुआ होगा? अब इसके दौरान तो कहा जा सकता है कि 3 लाख के बजट में 30 हजार का भी काम नहीं ढंग का मुझे लग रहा है। अगर ये दशा होती तो इसको ढंग से आपके सामने है सारी दशा। कितने के बजट में ये काम करवाया जा रहा था? सुने में आ रहा है 30 लाख के आसपास है। अगर 30 लाख का ये काम है तो देखने में तो पता ही चलेगा। क्या नाम आपका है? हमारा नाम है रविपाल यादव, सनाब घनश्याम यादव। आप यही वार्ड के निवासी हैं? हाँ, मैं ही इसी वार्ड के निवासी हूँ। रेडी बोलिए। हाँ हम बोले। हम सवाल हुआ और कैसे कितने लागत में हुआ समथिंग में, और ये अभी पहली बारिश में ही भड़बड़ा के ढह गया, क्या मामला है? जैसे अभी लगभग ये हुआ है आपका 2 महीने हुआ है बनते हुए, इसमें लगभग सुनने में आ रहा है कि 30 लाख रुपया मतलब हुआ है परमिट। अब देखिए बना है अभी 1 महीने हुए, धस जब एक ही बारिश में पूरा धस गया है यहाँ पे। बेलदारी शिवचंद बोल रहे हैं, बेलदारी टोला बोलना है। ठीक है, अपना बोल दिया सर। नगर पालिका क्षेत्र में जो है कुछ पोखरों का निर्माण हुआ है, जिसमें अधिशासी अभियंता से बात की गई कि शासन से स्वीकृति लागत उसकी 30 लाख है सर, लेकिन देखा गया है सर कि पोखरों पे जो है बस खाना पूर्ति करके छोड़ दिया गया है और सारे पोखरे पहली ही बारिश में ठह गए सर। क्या कुछ मामला है सर, क्या कुछ कार्रवाई है? जैसे सब प्रकार संज्ञान में आ रहे हैं, जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, शिकायतों को दृष्टिगत करते हुए हमने डिप्टी कलेक्टर को अध्यक्षता में टीम गठित कर दी थी सदस्य, जिसमें हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं, दो PWD के इंजीनियर हैं। तो कमेटी जाँच करके देखेगी कि काम की स्वीकृति के अंदर काम हुआ या नहीं, कोई अनिश्चित नहीं हुई। अगर कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो उसके संदर्भ में हमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर इस मामले पे जो जिसके इंजीनियर हैं सर, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई मामला का ठीक, सारे सब ठीक है, इस तरह का कोई मामला नहीं है सर, और वो बस्ते में नजर आ रहे हैं। वो अपना तथ्य देंगे, जांच में अपने तथ्य देंगे, जांच हमारी टीम के माध्यम से आ रही है। अगर सर अनियमितता पाई जाती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, किसी भी प्रकरण कहीं पाई जाती है तो वैधानिक कार्रवाई होती है।